अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, आप हजरात को पता है कि मुल्क नेपाल का रहने वाला कमल नारायण दास ने ईद के दिन अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शान में ऐसी नाज़ेबा और घिनौनी बात लिखी थी, शेयर की थी, जिसको पढ़ करके और जिसको देख करके हर मुसलमान का जिगर छलनी हो गया था, हर मुसलमान का जिगर फट गया था। लेकिन अभी अभी कमल नारायण दास के ताल्लुक से खबर सुनने और देखने को मिल रही है। दोस्तों, खबर क्या है जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल अरमुगान हक को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पूरी खबर को जान लेते हैं, सुन लेते हैं। बावसूक जराए से यह खबर मिली है कि कमल नारायण दास ने यह कहा है कि मेरे फेसबुक अकाउंट को किसी ने हैकिंग करके ये पोस्ट किया है। इस पोस्ट के बारे में मुझे भी कोई इल्म नहीं कि कब मेरे अकाउंट से ये पोस्ट हुआ और कब डिलीट हो गया, मुझे कोई खबर नहीं। अब इसकी इस बात में कितनी सच्चाई है, अल्लाह आलम। बहर कैफ, अगर उसकी ये बात सच है तो यही बात कम से कम पब्लिक में या फेसबुक के जरिए ही वो इकरार कर दे, ताकि अवामुन्नास को मालूम हो कि नेपाल में धार्मिक फसाद फैलाने की कैसी कैसी प्लानिंग और साजिश हो रही है। वैसे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हैकर को तलाश किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल खबर सुन लिए होंगे। दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।